नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, किसी भी संस्था महासभा को चलाने के लिए एक पूरी टीम भावना से काम किया जाता है, और जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बहुत तफसील से 3 साल की रिपोर्ट दी, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने पूरे 3 साल का पूरा आयव्यय का ब्यौरा आप सबके सामने रखा। मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा कि इस दौरान हमने क्या क्या महसूस किया और क्या क्या हमारे को टीस रही। साथियों, सबसे पहले तो मैं उन तमाम जो समाज के मौजूद लोग जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं और इस आलिशान पंडाल के अंदर बैठे हैं। मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके कारण से ये समाज विपरीत परिस्थितियों से निकल करके आज अनुकूल परिस्थितियों में है, जिसका हम लाभ ले रहे हैं। चाहे वो मास्टर भवाना जी जीताड़ हो, हवलदार मल्लाजी रावड़ाबाड़िया, जमादार पंजी नानना, सुबेदार पंजी धोलाबंदिया, कामदार पटवारी पंजी ककलाना, रहमान खान जी चांग, ठाकुर पीरू जी चांग, ठाकुर हरजी शोपुरा, जोधा जी सोमलपुर, अल्लाह बकर जी खरेकड़ी, हमीर जी अटूंडी, पंजी बोरवा, जवाना जी बादनी, अनजी अनाकर, ये बहुत विचित्र नाम सुन रहे हैं आप लोग, जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी समाज के लिए, ठाकुर करण जी अथूण, रूप जी अथूण, मलजी राजियावास, रूंबा जी बोरवा, जमादार समर्था जी बोरवा, माता जी रूपनगर, गुलाब जी नौसर, सुबेदार महेंदू जी हर, दौला जी बिठोर, अन जी डूलवा, मास्टर बाबू भवाना चीतार, और जो कुछ समय पहले तक हमारे बीच में विराजमान थे और जिनका भी समाज और संगठन को यहां तक पहुंचाने में अहम योगदान रहा, मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करना अपना फर्ज समझता हूं। सुबेदार लाल मोहम्मद साहब मांडेड़ा, साहिर मोहम्मद साहब खेमपुरा, मास्टर जफर मोहम्मद साहब बोरवा, मास्टर सफी मोहम्मद साहब रूपनगर, मास्टर अहमद जी नाडी और डॉक्टर जमाल साहब जालिया और अब्दुल रहमान जी चीता राजोसी, और अभी हमारे वर्तमान में जो पूर्व विधायक है नूरा जी, इन सब लोगों के कारण जो है हम आज समाज को इस रूप में देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से इन तमाम बुजुर्गों को खिराज अकीदत पेश करता हूं और अपनी बात शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, सेक्रेटरी साहब ने बताया कि डांग वाइज अधिवेशन हमने शुरू किया, ये पहला हमारा प्रयास था जिसमें कि हम लोगों तक आखिरी कड़ी तक जुड़ सके, और हम कितने जुड़ पाए हैं ये एनालिसिस करना ये आपके ऊपर है कि हम इसमें जुड़ पाए या नहीं जुड़ पाए। हमने कोशिश की कि 4 साल तक हम चारों डांगों में गए और लोगों के बीच में जाकर के हमने अपनी बात रखी, और कल जब नामांकन का जो दौर चल रहा था वहां पर जो लोगों की भीड़, जो उत्सुकता और समाज के प्रति जो जागृति थी, उसको देख करके लगता है कि हम कहीं ना कहीं हमारे मकसद में कामयाब हुए हैं। सेना भर्ती का मामला इस दौरान चर्चा में रहा, हम सिंगल बेंच में जीते, डबल बेंच में जीते, और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने ट्रिपल बेंच के अंदर उसकी अपील कर दी, और ट्रिपल बेंच में जब तक 3 जज नहीं होंगे तब तक उसकी सुनवाई नहीं होगी, और ये ऐसी अदालत है जहां पर जज जाना पसंद नहीं करते हैं, उसको एक सजा के रूप में लेते हैं, काला पानी के रूप में लेते हैं। तो जब तक 3 जज नहीं बैठेंगे इसका फैसला नहीं होने वाला है। अभी कुछ समय पूर्व हमारी बातचीत भी हुई वकील साहब से, तो उन्होंने कहा तीसरा जज बैठती पहली जो पेशी है उसमें आपका फैसला हो जाएगा, तो हम लगातार इसमें संपर्क में रहे। अभी माइनॉरिटी का जो मामला है, माइनॉरिटी स्टेटस का, उसमें लगभग सफलता मिल गई है। जो वर्तमान में जो मिनिस्टर बने हैं साले मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा भाई हम इसको आप प्रचार प्रसार ना करें, बहुत जल्दी इसके ऑर्डर हम निकाल देंगे। एक नई सोच के तहत हमने पिछले साल 2018 में प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, और उस प्रतिभा सम्मान समारोह के अंतर्गत जो
बच्चों की, अभिभावकों की जो ललक थी, जो जिज्ञासा थी, जो वहां आने को जो आतुरता थी, वो देख करके हमें उम्मीद बनी है कि समाज अब बहुत आगे जाने को आतुर है, केवल इसको रास्ता दिखाने की जरूरत है। और अब उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो सामने, और वो समाज को नई राह दिखाएंगे। युवा दिवस पर हम हमेशा बहुत सारे प्रोग्राम करते ही हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे हमारे क्रॉस कंट्री की प्रतियोगिता हो, कबड्डी का कार्यक्रम हो, शहीद परिवारों का, शहीद वीरांगनाओं का सम्मान हो, इस प्रकार के कार्यक्रम हम लगातार करते आए हैं, और 3 साल में भी हमने बखूबी किए हैं। सबसे अहम जो अभी जिक्र किया था सेक्रेटरी साहब ने कि हॉस्टल बिल्डिंग की जो निर्माण की बात लंबे समय से प्रस्तावित थी लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप सबके सहयोग से पिछले 3 साल में हमने ये बीड़ा उठाया और एक बहुत ही शानदार, चाहे शुरुआती थी 2 कमरे और 10 लैट्रिन 10 बाथरूम भी सही, लेकिन हम लोगों ने उसको बना करके आप लोगों को सुपुर्द कर दिया है। अब आगे आने वाले कार्यकारिणी उसमें और इजाफा करें, ऐसी हम उम्मीद करेंगे, और उसमें बहुत सारी चीजें और करने को हमारे पास है, अगर आप चाहें तो और बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम सबने मिलकर के इस दौरान सांप्रदायिक ताकतों का, असामाजिक तत्वों का हर जगह पर मुकाबला किया। आप माने नहीं माने, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारी ऐसी शक्तियां लगी हुई है जो कतई नहीं चाहती है कि ये बहुत आराम से, आसानी से आगे बढ़े। पग पग पर हमारे खिलाफ में षड्यंत्र किए जाते हैं, चाहे वो आप सेकावास का प्रकरण लो, चाहे कालियागढ़ा का प्रकरण लो, इस प्रकार के प्रकरण जानबूझ करके उछाले जाते हैं। हम लोगों ने कोशिश की इस 3 साल में कि इस प्रकार की बातों को ज्यादा हवा नहीं देकर के मौके के हिसाब से, अवसर के हिसाब से, मौके की नजाकत के हिसाब से अपने आप को ढालें, और इसमें हम कामयाब रहे। और जो लोग चाहते थे कि इसको भड़का करके इलाके में माहौल खराब किया जाए, उसको उसके ऊपर हमने लगाम लगाए। हमारे बीच में बहुत सारे साथी आ रहे हैं, मोहन बहादुर जी चीता और हमारे पूर्व संरक्षक चांद भाई चीता, मांगू खान जी पूर्व प्रधान साहब मंच पे आए, कालू खान जी पूर्व कोषाध्यक्ष मंच पे तशरीफ लाए, योगेंद्र जी कठार पूर्व अध्यक्ष डांग सभा, और जफरू जी कठार पूर्व अध्यक्ष राजी जी की डांग, आपका सभी का माला पहना करके इस्तेमाल करें। तो मैं बहुत संक्षिप्त में रख रहा हूँ कि इस दौरान हमने बहुत उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह देखे, लेकिन आप सभी के सहयोग से, सलीम भाई साहब नजर आ रहे हैं मुझे, सलीम खान साहब मंच पे तशरीफ लाए, हमारे हमेशा दुख दर्द में साथ देने वाले सलीम भाई से गुजारिश है कि मंच पे तशरीफ लाए। साहब भाई न्याय समिति के हमारे अध्यक्ष जी, मंच पे आ जाएं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस 3 साल के अंदर जो जितनी भी कुव्वत, जितनी भी हमारे में सलाहियत थी, वो हमने काम करने की कोशिश की। फिर भी ये जो कार्यकाल है आप लोगों के सामने है, आप जैसा भी हमारे को 10 में से कितने नंबर देते हैं ये तो बात की बात है, या जो भी दें, हमने हमारी तरफ से जो हो सका हमने किया है, और कुछ जो दिल में रह गई है बहुत सारी बातें जो हम नहीं कर पाए, चाहकर भी कोचिंग सेंटर हम स्थापित करना चाह रहे थे, उसको वहां पर संचालन करना चाह रहे थे, लेकिन समय अभाव के कारण, हमारी बिल्डिंग के निर्माण में थोड़ी देरी के कारण नहीं कर पाए, जो आगे आने वाली कार्यकारिणी के लिए एक चुनौती के रूप में रहेगा, आप उसको शुरू करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। और एक गाइडेंस ब्यूरो जिसका अधूरी शुरुआत हमने की थी, लेकिन वो भी पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाई, तो ये भी हमारे मन में एक चीज रह गई है। एक स्पोर्ट्स क्लब स्थापित करने की भी मंशा थी, उसका संविधान भी लगभग बना लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से वो भी हम स्टार्ट नहीं कर पाए। और एक
एक और स्कीम थी, हमने बैठ करके चर्चा की कि बैतुल माल स्थापित करने की, जिसके अंतर्गत ऐसा फंड हम जो पैसे वाले लोग हैं, जो दानदाता है, भामाशाह है, उनसे लेकर के स्थापित करें, उसका अलग से एक अकाउंट खोल दिया जाए, जिसके अंदर उसमें से जो जमा हो उसमें से गरीब, बेसारा, जहीन और ऐसे लोगों को मदद की जाए जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, पिछड़े हैं, गरीब है, जिसको हम सामाजिक बैंक कह सकते हैं। ये एक ख्वाब था, लेकिन उसको भी हम आज तक मिलकर नहीं पहुंचा पाए। लेकिन फिर भी मुझे कतई ये पछतावा नहीं है कि हम 3 साल में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। मैं समझता हूं कि हमने, हमारी कुवत जो थी उससे भी बढ़ करके हम लोगों ने काम किया। कमियां कोताहियां रहती है, इसका एनालिसिस होगा, आप लोग करेंगे, हम भी करेंगे वक्त के साथ में। जब इस काल कार्यकाल के बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तब जाकर के आप कंपैरिजन करेंगे कि वो जलालुद्दीन के टाइम क्या हुआ था, अब क्या हुआ, या पहले क्या हुआ था। केवल एक कार्यकाल में हम कंपैरिजन नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं 10 साल पहले क्या था, आज क्या है, 10 साल बाद में क्या। अगर हमारे सामने पिक्चर है तो हम उसका कंपैरिजन कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप हमारे इस समय का और हमारे कार्यकाल का पूरा मुआयना करेंगे। मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमीन की कदर जानता हूं। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधिया, मैं मगरूर दरख्तों का हसर जानता हूं। छोटे से बड़ा बनना आसान होता है, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूं। मेहनत बड़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूं। बेवक्त, बेवजह, बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं, आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं। काफी कुछ पाया मगर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि एक दिन मिट्टी में मिलना है ये जानता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारे कार्यकाल को देखा, परखा, आगे भी देखेंगे। इस दौरान मुझसे व्यक्तिगत रूप से, हमारी कार्यकारिणी से, किसी भी भाई से, किसी भी शख्स को, किसी भी अहदेदार को अगर ठेस पहुंची है, किसी को दुख हुआ है, तो मैं आप सभी से माफी का तलबगार हूं। जय हिंद, अस्सलाम।